मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के जय संगठन पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा जारी है। मंत्री द्वारा माफी मांगने के बाद बैतूल में संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने बैतूल कोतवाली थाने का घेराव करते हुए सड़क पर चक्का जाम किया। इस दौरान मंत्री का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस पूरे विवाद पर जय संगठन के कार्यकर्ता मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ FIR की मांग पर अड़े रहे। जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। पापा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पापा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोड पे बैठे तो तुम पे FIR करने के बोल रहे हैं। सरेआम गाली दिया तुमने समुदाय को, पब्लिक के सर में जांच का विषय भी नहीं बचता। जांच का विषय भी नहीं बचता। FIR नहीं होता तो आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करेगा और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन। उषा ठाकुर, उसने जयेश को और पूरे आदिवासी समाज को नक्सलाइट बताया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द उसे हटाया जाए मंत्री पद से, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। यह हमारी मांग है। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसने पहले तो FIR करने से मना कर दिया कि बोले हम किसी मंत्री का FIR नहीं करेंगे। हमारी ये मांग थी कि यदि मंत्री के ऊपर FIR नहीं होती है, वो भी एक आम व्यक्ति की तरह ही है हमारे लिए, तो हम यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे जब तक FIR नहीं होती। उसके उपरांत कलेक्टर के अधिकारी लोग यहाँ पर आए, उनके द्वारा कहा गया कि भाई जब तक हमको शासन के माध्यम से किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिलती है तब तक हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। जय संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंत्री उषा ठाकुर का पुतला फूंकने के बाद पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद संगठन ने अपनी रैली और प्रदर्शन को समाप्त किया। जो थाने पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, FIR कराना चाह रहे हैं माननीय मंत्री महोदय के ऊपर। तो चूंकि ये घटना इंदौर की है तो हमने शिकायत पंजी में शिकायत इसकी दर्ज कर ली है और इनको पावती भी दे दी है, और जो भी प्रक्रिया है इसकी शासन से अनुमति के बाद ही इस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो भी कार्रवाई होनी है इंदौर थाना क्षेत्र में होगी। तो इस पर अब हमने अनुरोध किया है कि ये जो भीड़ है ये यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।